दधानां हस्तपदाभ्यां कुष्मांडां शुभदास्तु मे। हे माता कुष्मांडा, आप सब प्रकार से मेरा, मेरे कुटुंब जनों का, मेरे संसार का भला करें, शुभता करें, कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना हम माता कुष्मांडा से करते हैं। माता कुष्मांडा नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है नवरात्र के चौथे दिन। इनके ही विग्रह का पूजन करना सभी भक्तों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। माता कुष्मांडा जैसा इनका संबंध उष्मा से है, तीन तरह की उष्मा होती है संसार में, और तीनों उष्मा इनके गर्भ में, इनके उदर में निवास करती है। इनका लोक सूर्य लोक के अंदर माना गया है। आठ भुजाओं वाली माता कुष्मांडा आठों भुजा से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, उनकी रक्षा करती है, उन्हें अभय प्रदान करती हैं। जो लोग अपनी मनोकामना, चाहे धन की हो, संपत्ति की हो, संतान की हो, शिक्षा की हो, मान की, प्रतिष्ठा की कामना रखते हैं, नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा को कुष्मांड की बलि समर्पित करें, कुष्मांड का नैवेद्य समर्पित करें। इसके साथ साथ माता को हरे रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं नवरात्र के चौथे दिन। निश्चित रूप से माता कुष्मांडा की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।